नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंट इंग्लिश के तहत 163वें दिन के वीडियो को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहते हैं तो आप आसानी से बोलना लिखना सीख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें इम्फैटिक का पास्ट हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना है इसको देखेंगे। सबसे पहले बात दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो पे जाना चाहेंगे तो ओमनी सेंट इंग्लिश टाइप कीजिएगा यूट्यूब पे, यूट्यूब पर सर्च में, तो आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा। यानी कि टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन खोल सकते हैं। देखिए, लिखना सीखना चाहते हैं तो आपको लिखने पर ज़्यादा जोर देना होगा, और अगर बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलने पर ज़्यादा जोर देना होगा। सब कुछ ही बिल्कुल ईजी स्टेप में होता है, क्योंकि ग्रामर का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए दोस्तों आप बेझिझक आप हमारे साथ बने रहिए। आप बिना आसानी से पहले आप लिखना और बोलना सीख जाइए, उसके बाद आप ग्रामर में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह। तो सही ऐसे भी दोस्तों, अगर आप लिखना बोलना सीख जाते हैं तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं सब कुछ सीख जाते हैं। ग्रामर क्या है, जो हमारे द्वारा और आपके द्वारा बोला या लिखा गया है उसी को जो है एक ठीक है किताब को शक्ल दिया गया, जिसमें ज़्यादा डिटेल में दिया गया कैसे शुद्ध लिखें बोलें। तो सब कुछ है इजी स्टेप में, आप धीरे सीख जाएंगे। तो देखिए, ये दोस्तों ये क्या है, एक सब्जेक्ट चार्ट है। और सब्जेक्ट चार्ट क्या होता है, किसी भी वाक्य में जो है सब्जेक्ट का बहुत ही अहम रोल होता है। बिना इसके कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता है, भले ही कहीं ना कहीं साइलेंट होता है, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट तो होता ही है। तो देखिए, ये सिंगुलर नंबर एक वचन, ये प्लुरल नंबर बहुवचन है। तो ये आई और वी, ये है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यहाँ यू और यू जो है सेकंड पर्सन है, इन दोनों को छोड़कर, ठीक है। ये जो चार है, एक्चुअली चार को छोड़कर सारे के सारे जो है थर्ड पर्सन है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन दोस्तों यानी कि अन्य पुरुष, और आई से लेकर दैट तक जो है प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के बदले। देखिए, ये नाम क्या, एक नाउन है, संज्ञा है। संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है उसे सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं आप। अब आगे देखिए, इम्फैटिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इम्फैटिक पे कई क्लास हो चुका है, अभी कई बहुत महत्वपूर्ण जो कि आपके लिए सेंटेंस फॉर्मेट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बोलना चाहते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको इस तरह के नहीं मिलेंगे वाक्य, जैसा कि आप देखेंगे। तो कैसे इम्फैटिक सेंटेंस बनाएंगे ये आप देख लीजिए। तो कोई सेंटेंस मान लीजिए, इससे बनाने के लिए पहले जो क्या करना है, सेंटेंसेस जो लिए हैं उसे बना लेना है। उसके शुरू में इट इज लगा देना है, पास्ट वाला लगेगा तो इट वाज लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इट वाज लगाएंगे हम लोग। उसके बाद सब्जेक्ट जो रहता है, ये जो कि आई या वी, आप देखें आई आपने देखा, वी देखा, यू यू देखा, तो ये सब्जेक्ट है। इसके बाद ही हु जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है इट वाज, देखिए ये है आई एट, ठीक है। चूंकि ये पास्ट में है, यानी वी टू है, वी वर्ब टू है, पास्ट फॉर्म है ये, प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये इट है, इट का जो बना है, इट से क्या बना है, एट, एट मीन्स खाया, ठीक है। इट से बना है एट, एट मीन्स खाया, तो इसी में जोड़ देना है दोस्तों। यहाँ पर इट वाज लग गया, ठीक है, इट वाज लगा, यहाँ पर आई के बाद हु लग गया, ये बन गया इम्फैटिक। मैं ही खाया, ठीक है, मैं ही खाया था, ऐसा लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, इसी को थोड़ा सा आप आसानी से समझ सकते हैं डिटेल में। देखिए प्रेजेंट एक्चुअली ये पास्ट है दोस्तों, ये रहा, फिर से देखें पास्ट, यानी कि इट वाज, आई या वी, हु, इसके बाद जो बाकी सेंटेंसेस है वो लिखेंगे, ऑब्जेक्ट जो बचा है या जो प्रिंसिपल वर्ब उसको लिखेंगे। तो मैं ही, हम ही, सेंटेंस ऐसे है कि इट वाज आई हु एट, मैं ही खाया था, आप था भी लिख सकते हैं, बोलते भी हैं मैं ही खाया था, घरों में बोलते हैं, आप कहीं भी इस तरह से मैं ही खाया था, मैं ही गया था, मैं ही सोया था, मैं ही रहा था, मैं ही घूमा था, मैं ही चला था, मैं ही लिखा था, मैं ही बोला था, मैं ही गाया था, मैं ही नहाया था, ऐसे ही बोलते ना। तो वही है, ही जब लगाते हैं तो आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। देखिए सेंटेंस जो होता है चार तरह का होता है, याद रखिएगा। एक तो अफर्मेटिव, दूसरा देखिए नेगेटिव है, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। देखिए नेगेटिव है, इसमें डिड नॉट लग जाएगा क्योंकि पास्ट वाला फॉर्म है। तो इट वाज आई डिड नॉट हु इट, इट वाज आई डिड नॉट हु इट, मैं ही नहीं खाया। अब देखिए वॉज इट, ये इसका अफर्मेटिव का वॉज इट आ गया, तो वॉज इट आई हु इट,
क्योंकि नेगेटिव हो गया तो वॉज इट आई हु इट, क्या मैं ही खाया, तो ये होगा नेगेटिव इंटोगेटिव होगा। अब इसी में जो है लगाते चलेंगे, देखिए नेगेटिव इंटोगेटिव ये आ गया, इंटोगेटिव था तो वॉज इट आई हु नॉट इट, यहाँ पर डिड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान रखिए डिड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सिंपल सा नॉट चला के चलेंगे, अगर डिड लगाने पर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता इसलिए यहाँ डिड नहीं यहाँ पर लगाया गया। तो ये हो गया चार तक सेंटेंस। अब इसमें जो है इंटोगेटिव में यहाँ पर और नेगेटिव इंटोगेटिव यहाँ पर डब्ल्यू क्वेश्चन जोड़ेंगे तो हो जाएगा दोस्तों वॉट, वॉट वॉज इट आई हु इट, वॉट वॉज इट आई हु इट, मैं ही क्या खाया, नेगेटिव बनाएंगे वॉट वॉज इट आई हु नॉट इट, मैं ही क्या नहीं खाया, वाई वॉज इट आई हु इट, मैं ही क्यों खाया, वाई वॉज इट आई हु नॉट इट, मैं ही क्यों नहीं खाया, हाउ वॉज इट आई हु इट, मैं ही कैसे खाया, हाउ वॉज इट आई हु नॉट इट, मैं ही कैसे नहीं खाया। इसका नेगेटिव बनाएंगे एक्चुअली वी का आया तो ये देखिए सिंगुलर नंबर था आई था, अब आई के बाद बी वाले स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड वी का रहेगा, देखिए वी है वी से तो इट वाज वी हु इट, यहाँ पर एट हो जाएगा ठीक है क्योंकि पहला अफर्मेटिव है इसलिए एट हो जाएगा, इट वाज वी हु एट, हम लोग ही खाएं, नेगेटिव बनाएंगे इट वाज वी डिड नॉट या डिडंट बोल देंगे, इट वाज वी डिड नॉट हु इट, हम लोग ही नहीं खाए। अब इसका इंटोगेटिव बनाएंगे वाज इट वी हु इट, क्या हम लोग ही खाएं, वॉज इट वी हु नॉट इट, क्या हम लोग ही नहीं खाएं। तो अफर्मेटिव नेगेटिव इंटोगेटिव नेगेटिव इंटोगेटिव यहाँ इंटोगेटिव और नेगेटिव इंटोगेटिव डबल क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए वॉट वॉज इट वी हु इट, हम लोग ही क्या खाएं, हम लोग ही क्या खाएं, हम लोग ही क्या खाए थे, वॉट वॉज इट वी हु नॉट इट, हम लोग ही क्या नहीं खाए थे, वाई वॉज इट वी हु इट, हम लोग ही क्यों खाए थे, वाई वॉज इट वी हु नॉट इट, हम लोग ही क्यों नहीं खाए थे, वाई वॉज इट वी हु नॉट इट, हम लोग ही क्यों नहीं खाए थे। अब देखिए नेक्स्ट जो है हाउ वॉज इट वी हु इट, हम लोग ही कैसे खाए थे, हाउ वॉज इट वी हु नॉट इट, हम लोग ही कैसे नहीं खाए थे। अब बात करेंगे यू पे जो कि सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इट वॉज यू हु इट, यहाँ पर इट हो जाएगा इट वॉज ठीक है, इट वॉज यू हु इट, तुम ही खाए आप ही खाए थे, इट वॉज यू डिड नॉट हु इट, तुम ही नहीं खाए थे, वॉज इट यू हु इट, क्या तुम ही खाए थे, वॉज इट यू हु नॉट इट, क्या तुम ही नहीं खाए थे। देखिए अफर्मेटिव ये नेगेटिव ये इंटोगेटिव ये नेगेटिव इंटोगेटिव यहाँ पर इंटोगेटिव में और यहाँ पर नेगेटिव इंटोगेटिव में डब्ल्यू क्वेश्चन लगाएंगे आसानी से लिखेंगे। देखिए वॉट वॉज इट यू हु इट, यू हु इट तुम ही क्या खाए थे, वॉट वॉज इट यू हु नॉट इट, तुम ही क्या नहीं खाए थे, वाई वॉज इट यू हु इट, तुम ही क्यों खाए थे, वाई वॉज इट यू हु नॉट इट, तुम ही क्यों नहीं खाए थे, हाउ वॉज इट यू हु इट, तुम ही कैसे खाए थे, हाउ वॉज इट यू हु नॉट इट, तुम ही कैसे नहीं खाए थे। ठीक है अब दोस्तों सेकंड पर्सन जो कि प्लुरल है इसका वो सेम रहेगा इंग्लिश हिंदी में सिर्फ तुम लोग आप लोग हो जाएगा यहाँ पर जैसा देख रहे हैं आप, तो इट वॉज यू हु एट ठीक है यहाँ पर भी एट हो जाएगा, तुम लोग ही खाए थे, इट वॉज यू डिड नॉट इट, तुम लोग ही नहीं खाए थे, वॉज इट यू हु वॉज इट यू हु इट, क्या तुम लोग ही खाए थे, वॉज इट यू हु नॉट इट, क्या तुम लोग ही नहीं खाए थे। अब यहाँ पर इंटोगेटिव यहाँ पर नेगेटिव इंटोगेटिव में डब्ल्यू क्वेश्चन आएंगे तो वॉट वॉज इट यू हु इट, तुम लोग ही क्या खाए थे, ठीक है यहाँ फिर से देखेंगे वॉट ये देखिए यू सेंटेंस है वॉट है यहाँ पर इंटोगेटिव वाला सेंटेंस यहाँ देखिए वॉज इट यू हु इट, तुम लोग ही क्या खाए थे, नेगेटिव इसका बनाएंगे तो हु के बाद नॉट आ जाएगा तो देखिए वॉट वॉज इट यू हु नॉट इट, तुम लोग ही क्या नहीं खाए थे, वाई वॉज इट यू हु इट, तुम लोग ही क्यों खाए थे,
वाई वॉज इट यू नॉट इट, तुम लोग ही क्यों नहीं खाए थे। हाउ वॉज इट यू हु इट, तुम लोग ही कैसे खाए थे। हाउ वॉज इट यू हु नॉट इट, तुम लोग ही कैसे नहीं खाए थे। दोस्तों अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएंगे तो देखिए ही है, ही का रेट लग गया, तो ऐसे देखिए ही एट यानी कि वह खाया था। यहाँ पर लग गया इट वॉज, यहाँ पर ही के बाद लग गया डब्ल्यू एस हु, तो हो गया इट वॉज ही हु एट, वही खाया था, वही खाया था भाई। इट वॉज ही डिड नॉट या डिडंट हु एट, यहाँ एट नहीं इट आ जाएगा भाई वापस जो है फर्स्ट प्रेजेंट फॉर्म में, तो वही नहीं खाया था। वॉज इट ही हु इट, क्या वही खाया था। वॉज इट ही हु नॉट इट, क्या वही नहीं खाया था। तो यहाँ पर इंटोगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव इंटोगेटिव में डब्ल्यू एस क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर व्हाट वॉज ही विट, वही क्या खाया था। व्हाट वॉज ही हु नॉट इट, वही क्या नहीं खाया था। और देखिए वाई वॉज इट ही हु इट, वही क्यों खाया था। वाई वॉज ही हु नॉट इट, वही क्यों नहीं खाया था। हाउ वॉज ही हु इट, वही कैसे खाया था। हाउ वॉज इट ही हु नॉट इट, वही कैसे नहीं खाया था। तो दोस्तों ये था ही, अब सी पे बात करेंगे हम लोग। तो देखिए सी, इट वॉज सी हु एट, वही खाई थी, वही खाई थी। इट वॉज सी डिडंट या डिड नॉट हु इट, वही नहीं खाई थी, वही नहीं खाई थी। ठीक है, तो यहाँ इंटोगेटिव ऐसे करेंगे, इसका नेगेटिव इंटोगेटिव ऐसे बनेगा, तो यहाँ नहीं, इसमें नहीं, यहाँ पर रहेगा सी रहेगा फर्स्ट वाले में। तो वॉज इट सी, देखिए वॉज इट, यहाँ पर आई वॉज इट सी हु इट, एट नहीं इट आ जाएगा जो कि ये इंटोगेटिव है। तो क्या वही खाई थी। वॉज इट सी हु नॉट इट, क्या वही नहीं खाई थी। अब देखिए डब्ल्यू एस क्वेश्चन यहाँ और यहाँ लगाएंगे, तो व्हाट वॉज इट सी हु इट, वही क्या खाई थी। नेगेटिव बनाएंगे, व्हाट वॉज इट सी हु नॉट इट, वही क्या नहीं खाई थी। वाई वॉज इट सी हु इट, वही क्यों खाई थी। वाई वॉज इट सी नॉट इट, वाई वॉज इट सी हु नॉट इट, वही क्यों नहीं खाई थी। देखिए हाउ वॉज इट सी, हाउ वॉज इट सी हु इट, वही कैसे खाई थी। हाउ वॉज इट सी हु नॉट इट, वही कैसे नहीं खाई थी। अब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत फास्ट बोलेंगे तो और भी अच्छे से आएगा। व्हाट वॉज इट सी हु इट, व्हाट वॉज इट सी हु नॉट इट, वाई वॉज इट सी हु इट, वाई वॉज इट सी नॉट इट, हाउ वॉज इट सी हु इट, हाउ वॉज इट सी नॉट इट, ऐसे बोलना है दोस्तों। तो देखिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, ही या सी, देखिए सी था, सी और ही दोनों का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, और दे का मैंने एक ही स्लाइड लिया है, आप अलग से दोनों में सेपरेट सेपरेट लिखिएगा। तो इट वाज दे हु एट, वे लोग ही खाए थे। इट वाज दे डिड नॉट हु एट, वे लोग ही नहीं खाए थे। वॉज इट दे हु एट, क्या वे लोग ही खाए थे। Was it they who not it, क्या वे लोग ही नहीं खाए थे। तो देखिए ये था अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये इंटोगेटिव यहाँ और नेगेटिव इंटोगेटिव यहाँ डब्ल्यू एस क्वेश्चन लगा लगा कर बोलेंगे। तो वॉट लगाते हैं, वॉट वॉज इट दे हु इट, वे लोग ही क्या खाए थे। देखिए वॉट, अभी यहाँ देखिए वॉज इट दे हु इट, वॉज इट दे हु इट, यह सेंटेंस को यहाँ पर उठाकर उसके पहले वॉट लगा दिए, तो ये बन गया डब्ल्यू एस क्वेश्चन। तो वॉट वॉज इट दे हु इट, वे लोग ही क्या खाए थे। What was it they who not it, वे लोग ही क्या नहीं खाए थे। What, why was it they who it, वे लोग ही क्यों खाए थे। Why was it they who not it, वे लोग ही क्यों नहीं खाए थे। How was it they who it, वे लोग ही कैसे खाए थे। ठीक है, अब देखिए लास्ट है How was it they who not it, वे लोग ही कैसे नहीं खाए थे। दोस्तों इसके बाद एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नाम ले लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम जो है प्रतीकात्मक है, देवू है, देवू मैंने नाम लिया। आप अपने सगे संबंधित छोटे बच्चों का किसी का नाम लेकर जो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, आपको ये सिर्फ यहाँ पर
खाया का जगह जा गया, रहा, पिया, कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इट है, तो इट वाज देवू हु एट, देवू ही खाया था, देवू ही खाया था, ठीक है। इट वाज देवू डिड नॉट या डिडंट बोल सकते हैं, डिड नॉट लिखेंगे, डिडंट हु इट, देवू ही नहीं खाया था। वॉज इट देवू हु इट, क्या देवू ही खाया था, ठीक है। देवू क्या क्या हो जाएगा, क्या देवू ही खाया था। वॉज इट देवू हु नॉट इट, क्या देवू ही नहीं खाया था, ठीक है। वॉज इट देवू हु नॉट इट, क्या देवू ही नहीं खाया था। तो ये देखिए इंट्रोगेटिव यहाँ है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ है, डब्ल्यू इसको चलाएंगे। वॉट वॉट वॉज इट देवू हु इट, देवू ही क्या खाया था, देवू ही क्या खाया था। वॉट वॉज इट देवू हु नॉट इट, देवू ही क्या नहीं खाया था। वाई वॉज इट देवू हु इट, देवू ही क्यों खाया था, वाई लग गया तो नेगेटिव बनाएंगे। वाई वॉज इट देवू हु नॉट इट, देवू ही क्यों नहीं खाया था या खाता था, ठीक है। यहाँ पर खाया हो जाएगा। हाउ वॉज इट देवू हु इट, देवू ही कैसे खाया था। हाउ वॉज इट देवू हु नॉट इट, देवू ही कैसे नहीं खाया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको अधिक से अधिक जो है इस तरह का सेंटेंस बनाना है, और जो भी सेंटेंस है उसमें इट इज़, इट वॉज लगाकर प्रेजेंट में इट इज़ और पास्ट में इट वॉज और हु तो लगेगा ही सब्जेक्ट के बाद, लगाकर आप अधिक से अधिक इम्फेटिक सेंटेंस को बोलें और लिखें। दोस्तों इस वीडियो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर और भी अच्छा लगा तो शेयर कीजिए स्कूली बच्चों को, सारे सारे अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को वीडियो को ऑफलाइन में डाउनलोड करके ऑफलाइन में कर दीजिए, उसको दिखाइए ताकि अधिक से अधिक वे सीख पाएँ स्कूल में अच्छे से अच्छे अपने जब कोई आंसर लिखते हैं। देखिए स्कूल में क्या होता है कि जब लिखते हैं तो बच्चों को लिखने ही नहीं आता इंग्लिश में, जिसकी वजह से उसको नंबर कम मिलता है, रटा रटा लिखते हैं, अपने भाषा में नहीं लिख पाते। तो अपने भाषा में लिखने के लिए दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को सीखना आपको उनके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब से घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अगला वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।